अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर क्या बिटकॉइन की कंडीशन है, यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं पंप हो रहे, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कह रहे हैं कि मुबशिर भाई यहाँ पे BTC तो काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है, लाइक हमारे पास 27,500 से जो पंप आया 30,000 तक का, जिसके बारे में हमने टेलीग्राम में भी बताया था। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो विक लगी थी ना, ये विक मुझे काफ़ी ज़्यादा जो थी वो अजीब सी लग रही थी, और इस विक के बारे में मैंने टेलीग्राम में बताया भी था कि ये विक फिल ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पर जब डंप आया था विक लगी थी, इसके बाद मार्केट पंप जरूर हुई थी, लेकिन बाद में मार्केट उस गैप को फिल करने ज़रूर आती है, और 90% ऑफ द टाइम यही होता है। और अभी भी ऊपर की 30,000 के विक लगी है, जो कि आई शेयर स्पॉट्स के ETF की फेक न्यूज़ की जैसे पंप हुई थी, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं यार ये फिल ज़रूर होगी। और करंटली अगर आप देखेंगे तो BTC ने यहाँ पर आके इस विक को जो है हमारे पास पूरे तरीके से फिल किया, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बहुत ऑकवर्ड है, और वो ये कि यहाँ पे ऑल्ट्स में हमारे पास मोमेंटम क्यों नहीं देखने को मिल रहा। अब इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, और ऐसा कौन सा कॉइन है जो खुद के लिए बाय कर रहा हूं और वो इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है वो दे सकता है। फॉर नाउ अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट ज्वाइन कर लो लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के लिए, और अगर आपका टेलीग्राम नहीं चलता तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएंगे, तो जाकर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वो भी मैंने आपसे वीडियो के बीच में ही करनी है, तो वो भी आप लोग सब जो है वो मस्त देखिएगा। अच्छा, इसके पीछे जो रीजन है कि ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं हो रहे, इसके पीछे साफ सा रीजन है वो है BTC डोमिनेंस, और जितना BTC डोमिनेंस बढ़ेगी इट मीन्स कि पैसा सिर्फ और सिर्फ लोग क्रिप्टो में बिटकॉइन की तरफ जो है वो लाना पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे दो रीजन है, सबसे पहला रीजन ये कि ETF जो है वो सिर्फ और सिर्फ BTC के अप्रूव हो रहे हैं, और ये जो लूना का क्रैश आया था, FTX का जो बैंकरप्सी हुई थी, इसके बाद लोग ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर इतना रिलाय नहीं करते, ठीक है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि BTC और ये जो टॉप कॉइन्स है जैसे BNB टॉप 10, इनमें हम अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं, और काफी टाइम बाद हम जब डोमिनेंस डिक्रीज होगी तब हम ऑल्ट्स के अंदर एक बूम देखेंगे, जो कि लास्ट टाइम हुआ था कि एक एक ऑल्ट हमारे पास 50-50x हो गया था बुल रन में, तो ऐसा भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीन यह है कि एक तो ETFs की न्यूज़ की जैसे BTC में ऑनली पैसा आ रहा है, दूसरा ये कि यहाँ पर इसराइल पलस्तीन की जो जंग चल रही है उसमें वहाँ की करेंसीज जो है वो डिक्लाइन कर रही है, तो लोग अपना पैसा अच्छे स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न, अच्छे स्टोर ऑफ वैल्यू अगर आप कमोडिटीज में देखो तो वो आपके पास फिर गोल्ड है, और गोल्ड यहाँ पर आपके पास तेजी से जो है वो पंप हुए जा रहे हैं, और जो हमने प्रेडिक्शन आपसे की थी ब्रेकआउट पर इसको बाय करने की, और एक्जैक्टली इस तरीके से ही गोल्ड ने जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2000 तक का जो है वो दिया, और हमने आपको तकरीबन 4 आवर्स के जब भी ब्रेकआउट पे था तब से मैं आपको गोल्ड बाय करवा रहा हूँ कि जंग बढ़ेगी, गोल्ड ऊपर जाएगा यहाँ पे आपके पास, और गोल्ड ऐसे ही एक्जैक्टली आपके पास जो है वो ऊपर जा रहा है, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर सिर्फ बिटकॉइन ऐसे ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो है, लोग अपना पैसा इसमें रखेंगे ताकि उनका पैसा सेफ रहे। अब यहाँ पर डोमिनेंस जो है BTC की डोमिनेंस जितना ऊपर जाएगी, BTC जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर जाएगी, और ऑल्ट्स में यहाँ पे मोमेंटम इतना नहीं आएगा, सो आई वॉन्ट कि BTC कंसोलिडेट करे और डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन ले, क्योंकि इसने अपनी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दी और इसके अबव ये ट्रेड हो रहा है। नाउ आई वांट कि 52% वाला जो इसका एरिया है वो यहाँ पे ब्रेक हो, और जब ये ब्रेक हो तो यहाँ पर BTC कंसोलिडेट करे, तो हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर एक बहुत ही मैसिव रैली आएगी। और ऑल्ट्स कौन से हैं जिनमें पैसा आ सकता है उसके बारे में अब मैं आपको जो है वो बताता हूँ, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मत सब्सक्राइब कर दे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं आपसे कह रहा था वो ये कि ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और फाइनली 4 महीने बाद प्रीमियम के अंदर जो है यहाँ पर मैं डिस्काउंट ले आया हूं, जिसमें हमने हमारी मंथली फीस $20 से 7 में ड्रॉप कर दी। इतना बड़ा डिस्काउंट आने वाले टाइम में प्रीमियम में कभी नहीं आएगा, और जो लोग इस डिस्काउंट को अवेल कर लेंगे फीस हमेशा रीजॉइनिंग पे उनके लिए इतनी ही रहेगी। लाइक 1 मंथ की हमने 20 से 7 कर दी, 3 मंथ की $50 से हमने 20 कर दी, ठीक है, 6 मंथ की हमने 85 से 38 कर दी, 1 ईयर की 170-168, और लाइफ टाइम की $350 से सिर्फ और सिर्फ 125, और प्रीमियम प्लस के अंदर भी हम डिस्काउंट लेकर आए 50% का, जिसमें 1 मंथ की हमने 100 से 50, 3 मंथ की 25 से 120, और ये पैकेजेस जो है आप लोग देख सकते हैं। आप पूछेंगे मुझे भाई प्रीमियम क्या है, तो यार प्रीमियम ये होता है जहाँ पे हम आपको डेली बेसिस के ऊपर स्कैल्पिंग करवाते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करवाते हैं, स्विंग ट्रेड्स करवाते हैं, साथ लेकर चलते हैं, जैसे कि आप हमारी एग्जांपल के तौर पर ये ट्रेड देखें, जैसे हमने रेन का एक स्कैल्प शेयर किया हमारी अवाम के साथ प्रीमियम के अंदर, और यहाँ पे वो हिट हो गया, और लोगों ने इससे बेहतरीन प्रॉफिट्स बताने, किसी ने 200, किसी ने 30, किसी ने 50, किसी ने 30, किसी ने 20, किसी ने 14, किसी ने 55, किसी ने 20, लोगों ने बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट्स जो है वो यहाँ पर बनाए। तो आप हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्काउंट जो ये चल रहा है, और कल ये डिस्काउंट जो है ये एंड हो जाएगा रात को 12 बजे। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन्स की मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए आने वाला जो टाइम है हमारे पास वो किस चीज़ का है, आपके पास लास्ट बुल रन के अंदर मेटावर्स के कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा पंप हुए थे, जिसमें AXS आपके पास 20x हो गया था, माना आपके पास 30x हो गया था, सैंड आपके पास 30x हो गया था, क्योंकि मेटावर्स का टाइम था आने वाला। आप देखेंगे फेसबुक ने अपना नाम मेटा पे चेंज कर दिया। अब जो आने वाला टाइम है वो आप सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और AI कॉइन्स ने हमारे पास अच्छा किया है, लेकिन कुछ AI कॉइन्स हैं जो स्टिल अनपम्प्ड हैं और वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल शो करते हैं, और इस कॉइन को मैं आपको काफ़ी दफ़ा रिकमेंड कर चुका हूँ, ठीक है। और आई थिंक आप सुन सुन के और मैं बता बता के थक गया हूँ कि PHB को आपने मस्ट एक्यूमुलेट करना है।
मैंने ये कॉइन जब मार्केट क्रैश हुई थी 47-49 पर आके मैंने कहा था कि मैं इसको मैं बाय कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, जितना बाय कर सकते हो उठा लो, क्योंकि ये कॉइन ऐसे डंप आपको बार बार नहीं देता। और वहां से हमने 43% प्रॉफिट भी बुक किया। I'm sorry, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। हाँ, और अभी भी हमारा स्विंग जो इसमें चल रहा है, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो ये कॉइन जो है वो एआई का मेन कॉइन है, ठीक है, और लो कैप है काफी, और इन फ्यूचर इस कॉइन में बहुत पैसा जो है वो आ सकता है। और मेरी लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के अंदर जो है ये कॉइन वो इन है। टेलीग्राम के अंदर भी हमने 47-42 पे भी इसको बाय किया, काफी अच्छे हमने इसके डंप्स जो है एक्यूमुलेट किए। एंड यू गाइस कैन स्टिल बाय सम पीएचबी अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है तो। डेली लेवल के भी ये ब्रेकआउट के ऊपर है, अच्छा कर सकता है ये कॉइन। और मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे कॉइन काफी अच्छा लग रहा है, डेली लेवल का ब्रेकआउट भी ये कर चुका है, और यहां से सस्टेन करता है क्विक टाइम के अंदर, शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर आपको ये 10-15% की रैली जो है वो इंशाल्लाह जरूर दे देगा, जिसमें 64 तक ये जाएगा पीएचबी शॉर्ट टाइम फ्रेम में। और लॉन्ग टाइम फ्रेम में इसका कैप जो है वो काफी ज्यादा कम है, इसका यूज केस जो है वो काफी ज्यादा सॉलिड है, तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। और ये मेरी एक लॉन्ग टर्म की जो है वो एक्यूमुलेशन है। एक और कॉइन इसके अलावा मैंने उठाया वो है ओएक्सटी, और ओएक्सटी में शायद आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए होंगे, क्योंकि ओएक्सटी मैंने काफी नीचे से बाय किया जब कल ये ब्रेकआउट के ऊपर था 610-608, तब मैंने इसको यहाँ पे जो है वो बाय किया था। करंटली अगर आपको ये 620 या 615 पे मिलता तो आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अच्छा लो कैप कॉइन है ये भी, और इसकी रैलीज भी अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से काफी अच्छे स्कैल्प्स दे देता है, लाइक 10-15% की रैलीज जो है वो इसके अंदर नॉर्मली आती रहती है, तो ये कॉइन भी आप उठा सकते हैं। तो ये जो दो कॉइन्स है फिलहाल इनमें मैं एक्यूमुलेशन कर रहा हूं, और इनसे एक अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगेन मैं कहता हूं कि देखो ये मेरा पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट मुझे आती है, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती और सारा पोर्टफोलियो आप एक ही कॉइन में लगाने वाले हैं और आपको नहीं पता ट्रेडिंग कैसे होती है, तो प्लीज आप बाय मत कीजिएगा। बाय करने से पहले अपनी रिसर्च जो है वो जरूर कीजिएगा। मैं जो हूँ वो इन लॉसेस को बेयर जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका रीजन या रिस्क पर आप भड़ास किसी एक बंदे पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि FTX जैसी एक्सचेंज विथिन अ नाइट बैंकक्रप्ट हो सकती है, लोगों के बिलियन डॉलर्स जा सकते हैं, तो एक कॉइन के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी कॉइन आप बाय करें अपने रिस्क पे पूरा बाय कीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट आपने अपनी जो है वो पूरी रखनी है। फॉर नाउ इतना ही, अगर आप डिस्काउंट में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर कोई आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो देन आपको चार्जेस और कैसे आपने पेमेंट करनी है प्रोसीजर जो है वो बता दिया जाएगा। सो फॉर नाउ अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।